बात आज के संदर्भ में है कि वो लीडरशिप अब पॉलिटिकल हो गया, तो पॉलिटिकली आपको बहुत करेक्ट होना। मुसलमानों से हमें सीखना होगा वोट कैसे करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग क्या है। हिंदू बहुत सोचता है, मुस्लिम सोचता नहीं है। इस्लाम खतरे में बोलो दौड़ के बाहर निकल, उसको मोहम्मद पर गाली दो देखो घुस कर आएगा घर में। माँ पर से गाली देने से कोई मुस्लिम भड़कता नहीं है, तो ये समझ लो उनकी आइडेंटिटी इस्लाम है। हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के भटकाया जाता है, अरे मेरे कास्ट के एमएलए नहीं खड़े हैं, वो मैं तो कुर्मी समाज से हूँ। लेकिन बांग्लादेश में वो कुर्मी नाम पूछ के तो नहीं मार रहा है, और बांग्लादेश छोड़िए अभी बहराइच में तो उसने कुर्मी नहीं पूछा। अरे ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, ब्राह्मण नाराज हो गया यूपी में। कोई भी धर्म की बात निकलती है आपके सामने, मुस्लिम या ईसाई है, तो उसको बोलो भैया 5 बार क्यों चिल्लाते हो रोज। बियॉन्ड कास्ट लाइन हमें विचारक ढूंढने होंगे हर तबके से, और लोगों तक पहुंचना होगा। स्थिति इतनी खराब है कि लव जिहाद का पड़ोस में कोई आपके मामला होता है तो भी आप आंख बंद किए हुए हैं। याकूब मेमन के लिए रात को 12 बजे 2 बजे उठकर जुडिशियरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। याकूब मेमन के जिसने 200-300 लोगों को बम फोड़ के मारा था मुंबई में, और वो इकोसिस्टम ये है कि वो मुसलमान के साथ कुछ होता है तो वो पुलिस अफसर के पास नहीं जाता, वो अपने पास के मस्जिद में जाता है, और मस्जिद में फ्राइडे को मीटिंग होती है और उसमें कहा जाता है अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ क्या हुआ था लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद वहाँ मदरसे में मस्जिद में सबको इन्फॉर्म किया जाता है ग्रुप्स कि इस फ्राइडे को जमा होना है, फलाने जगह पे जाना है और एक साथ डराना है। कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम टॉलरेंट। हमें मंदिरों को जोड़ना होगा कि मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे कॉलोनी के अंदर मंदिर हैं, उन मंदिरों का उद्देश्य क्या है, पूजा करना, उस उद्देश्य को बदलने की आवश्यकता। कोऑर्डिनेशन सेंटर होना चाहिए। और एक बात समझ लो कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहो और नीचा दिखाते रहो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. आइए हम समझते हैं डेमोग्राफी बटेंगे तो कटेंगे का क्या माने होता है। नमस्कार, जय श्री राम। बड़ा डिफिकल्ट होता है जब भाऊ सामने बैठे हैं और मुझे लीड करने को बोला जाए। संजय दीक्षित सर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा दायित्व दे देते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना कि डेमोग्राफी बदलती है तो बटेंगे कटेंगे, हमें सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इस्लाम समझना होगा। बांग्लादेश का इशू चल रहा है ये तो आप लोग सब कोई जानते हैं, और इसके पहले हजार सालों के इतिहास के बारे में भी आप सब जानते हैं। लेकिन एक लड़ाई हुई थी जिसे राक्षसी तगड़ी की लड़ाई भी बोलते हैं, तलीकोटा युद्ध। विजयनगर साम्राज्य उस युद्ध को जीतने के करीब था, लेकिन चूंकि हुसैन ब्रदर्स जो कि सेनापति थे वो रातों रात इस्लाम के नाम पे बट गए, वो लड़ाई विजयनगर साम्राज्य हार गया। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद जो विजयनगर अगले 6 महीनों तक जला है उसका इतिहास में वर्णन नहीं है। आप लोगों ने 300 फिल्म वगैरह देखी होगी, किंतु अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई बॉलीवुड में फिल्म बना लें ऑनेस्टली तो कश्मीर फाइल्स तो कुछ नहीं है, उसका दर्द कुछ नहीं है उसके आगे। अब आता हूं वर्तमान स्थिति पर। यह ठीक है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि हम इतिहास से सीखते हैं कि कुछ नहीं सीखते, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास में हमेशा हिंदू योद्धा थे जो आपको बचाते आए, चाहे वो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या लेगेसी बहुत लंबी है। किंतु एक बात आज के संदर्भ में है कि वो लीडरशिप अब पॉलिटिकल हो गया, तो पॉलिटिकली आपको बहुत करेक्ट होना होगा। मुसलमानों से हमें सीखना होगा वोट कैसे करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग क्या है। हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के भटकाया जाता है, अरे मेरे कास्ट के एमएलए नहीं खड़े हैं, वो मैं तो कुर्मी समाज से हूं। लेकिन बांग्लादेश में वो कुर्मी नाम पूछ के तो नहीं मार रहा है, और बांग्लादेश छोड़िए अभी बहराइच में तो उसने कुर्मी नहीं पूछा। अरे ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, ब्राह्मण नाराज हो गया यूपी में। हम सनातन पांडे जैसे आदमी को वोट कर देते हैं बलिया के अंदर। आपको पता है ये मुख्तार अंसारी के जनाजे में गए हुए थे, उसको आप लोग अगर वोट करते हैं तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्तार अंसारी के विचारधारा को आगे बढ़ाया। और अगर सोचिए समाज में ब्राह्मणों को जगह दी गई थी विचारक के रूप में कि आप समाज को एक सही डायरेक्शन दें, तो क्या आज वो काम हो रहा है प्रॉपर ढंग से?
और अगर नहीं हो रहा है तो समाज में इस डेफिनेशन को बदलने की आवश्यकता है। बियॉन्ड कास्ट लाइन हमें विचारक ढूंढने होंगे हर तबके से और लोगों तक पहुंचना होगा। स्थिति इतनी खराब है कि लव जिहाद का पड़ोस में कोई आपके मामला होता है तो भी आप आंख बंद किए हुए हैं। मंदिरों में बात होती है कि भाई पूजा पाठ तक क्यों सीमित है। आपको एक रिसेंट उदाहरण बताता हूँ, ये जो बहराइच के अंदर भीड़ आती है या कहीं भी 4-5 हज़ार मुसलमानों की भीड़ आती है, कैसे आती है, क्या इकोसिस्टम है इसका? इकोसिस्टम बहुत सिंपल है और वो इकोसिस्टम ये है कि वो मुसलमान के साथ कुछ होता है तो वो पुलिस अफसर के पास नहीं जाता, वो अपने पास के मस्जिद में जाता है और मस्जिद में फ्राइडे को मीटिंग होती है और उसमें कहा जाता है अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ क्या हुआ था लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद वहाँ मदरसे में मस्जिद में सबको इन्फॉर्म किया जाता है ग्रुप्स में कि इस फ्राइडे को जमा होना है, फलाने जगह पे जाना है और एक साथ डराना है। ऐसा कोई इकोसिस्टम बन ही नहीं रहा। ये तो अच्छी बात है कि जयपुर डायलॉग्स ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पर हम सब अब आकर के बोलने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। अलग अलग पहले हम भटके हुए थे, भाऊ सर का अलग चैनल, मेरा अलग चैनल, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पर आकर के हम बातें रखते हैं। बड़ी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म को अब मंदिरों तक पहुंचना होगा, हमें मंदिरों को जोड़ना होगा कि मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। वो सैटरडे में जो बात होती थी कि मंगलवार के दिन जाके पूजा करना है हनुमान जी का, वो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। था कि गांव के लोग जुटेंगे, मिलेंगे, तब तो एक दूसरे का हाल समाचार जानेंगे। आज गाँव से सनातन धर्मी शहर में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे कॉलोनी के अंदर मंदिर हैं उन मंदिरों का उद्देश्य क्या है? पूजा करना। उस उद्देश्य को बदलने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर होना चाहिए। किसी एक हिंदू के साथ कॉलोनी में समस्या हो, आप के पुजारी का यह दायित्व बनता है कि सभी लोग आकर के मिले, आज ट्यूसडे को मीटिंग होनी है और एक साथ फिर जब समाज एक होगा तो ये जो योगी जी कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस यही है। लेकिन वोटिंग पैटर्न समझाने के लिए अगर आज भी हिंदुओं को योगी जी को बोलना पड़ता है, मोदी जी को बोलना पड़ता है या संघ प्रमुख को बोलना पड़ता है, तो हमें लगता है कि हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग कहाँ आ पहुंचे हैं। आज मुझ जैसा युवा अगर सामने खुल के बोलने को विवश हो गया है तो क्यों हुआ है? मैं भी तो 2008-09 में कूल रूट की तरह जी सकता था, कोई बात नहीं, वो लाइफ लेविश लाइफ किसको पसंद नहीं होती है। लेकिन ये लड़ाई तो मेरे घर तक आ पहुंची, अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? और अब मेरे दरवाजे तक आके पहुंची है तब हम मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा पड़ोसी सोया हुआ है कि ठीक है ये तो अभिषेक के दरवाजे की बात है, मेरे दरवाजे पर है, लेकिन मौका मिलेगा क्या आपको भागने का? उस समय देखिए एक बात हो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि अभिषेक जी आपको क्या लगता है कि स्थिति क्या होगी भविष्य में? भविष्य के का पता नहीं, वर्तमान में हिंदुओं के अंदर एक जागृति तो आई है, लेकिन ये मोमेंटम बिल्ड करने की आवश्यकता है। अगर इस मोमेंटम को हम लोग 4-5 साल बिल्ड कर गए तो इस देश में जिस 2047 की परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है वो हम अचीव कर जाएंगे। लेकिन अगर ये मोमेंटम बीच में ब्रेक हो गया, जैसे कि 2027 का चुनाव है, 2025 का बिहार के अंदर चुनाव है, ये वो दो बड़े चुनाव हैं जहाँ हिंदू अगर साथ में रह करके यूनाइट होकर के वोट कर गया, तो जो सावरकर जी ने कहा था कि कोर्ट के ऊपर नेता जनेऊ पहनेंगे, आपको याद होगा बीच में सारे ये जो आज इरेडिकेट सनातन धर्म वाले अचानक फिर से खड़े हो गए हैं, ये 2022 चुनाव के यूपी के रिजल्ट के बाद मंदिर मंदिर जाने लगे थे। इनको पता हो गया था कि सनातनियों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ेगा। राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर तक जा पहुंचे थे, लेकिन अब इनको एहसास हो गया कि नहीं, हम फिर से कास्ट के नाम पर बांट सकते हैं, और एक बार हिंदू समाज कास्ट के नाम पे बट गया तो हमारा मुसलमान वोटर तो सेफ है, वो हमारे साथ है, हम सत्ता में आ सकते हैं। इस एहसास को जब तक आप उनको नहीं हराएंगे, इस एहसास को जो उनके मन के अंदर ये भाव है कि हम हिंदू को बांट सकते हैं, जब तक ये थॉट प्रोसेस की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे ना, तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते। अब बात यही है कि हिंदू कितने दिन तक समझेगा, हिंदू लंबा नहीं समझता, इतना हिंदू का लंबा चौड़ाई याददाश्त नहीं होता। वरना 2004 में जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुओं ने हराया था, वो 2024 में रिपीट होते होते रह गया।
तो भाई सुप्रीम कोर्ट के एक बार जज साहब ने भी कहा था कि इस देश को भगवान चलाना है, तो भगवान ने इस देश को बचा लिया किसी तरह, 240 पे आके सत्ता बची रहेगी। किंतु कल्पना कर सकते हैं 2024 अगर ये सरकार हार गई होती। केतकी जी एक एक्ट्रेस हैं मराठा की, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि झूठ बोलने वाले का मुंह टेढ़ा हो जाता है। 103 डिग्री फेवर था और ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, खींच करके उनको ले गई और जेल में भर दिया। हाँ, अब आप समझिए कि फिर अभिषेक तिवारी क्या है, कल राजद की सरकार बनेगी, किसी की एक्स वाई जेड की किसी की सरकार बनती है, तो ये वायस दबाना तो शुरू से जानते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना। असीम त्रिवेदी ने कार्टून बनाया था 2013 में, दबा दिया था। सरकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए पहले अपने पर्सनल ईगो को साइडलाइन करके, व्यक्तिगत ईगो को हटा के हमें लगातार टैक्टिकल वोटिंग सीखनी होगी। बिना सोचे समझे अगले 6-7 सालों तक सेम पैटर्न पे वोटिंग करना होगा, फिर सब कुछ रास्ते पर आ जाएंगे। आगे अब भाऊ बोलेंगे, ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। जी भाऊ नमस्कार। अभिषेक तो नेक्स्ट जनरेशन है वो, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमको लड़ना है, हमको कोरोना से लड़ना था, इस्लाम की बात छोड़ दो, हमको कोरोना से लड़ना था, अलग अलग जो वायरस होते हैं उनसे लड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं? ये हमने वैक्सीन ढूंढ निकाला वगैरह वगैरह, अपनी फिट थपथपाते, लेकिन वैक्सीन क्या होता है? वो कोरोना का ही जो वायरस है उसको कल्चर करते हैं और वही डाल देते हैं हमारे, हम में डाल देते हैं, और हमारी जो पेशियाँ होती है उनको ट्रेंड करते इसके कैसा लड़ना है, वो मरी हुए डाल देते, लेकिन उससे कैसा लड़ना है वो हम ट्रेंड होते, तो हम खुद भी वायरस बन जाते हैं हमारे पेशियों में। तो हमको अगर जियाद से लड़ना है तो हमको वो वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो समझना पड़ेगा कि जियाद क्या होता है। कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जिसने ये 80 के अफगानिस्तान का जो जियाद हुआ, तो उस जियाद का जो थियरी है वो बनाने वाले ब्रिगेडियर एस के मलिक है, उनकी किताब है, उसमें एक बढ़िया पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो समझना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि लैंड लेना है, ज़मीन कब्जा करना है, किसी लड़की को भगाना है, किसी को कन्वर्ट करना है, या बम फोड़ने हैं, किसी को मारना है, उससे जिहाद नहीं होता। जिहाद तब सक्सेसफुल होता है जब सामने वाले की लड़ने की इच्छा मारी जाती है। जो अभिषेक बोल रहा था ये हुआ वो हुआ, वो कहाँ से हो? मंदिर नहीं जाते हम लड़ने को खड़े, क्योंकि हम भूल गए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम या कन्वर्ट करने वाले नहीं है, क्रिश्चियन ईसाई हो या वो हो छोड़ दो, वो नहीं है, हमारा टॉलरेंस हमसे सबसे बड़ा दुश्मन है, ये भूलो मत कि जाने दो यार, वो भी इंसान है, वो इंसान की तरह बर्ताव अगर नहीं करता तो हम इंसान कैसे। मैं एक सीधे आपके जीवन की एक बात बोल देता हूँ, आपको पालतू जानवर पक्षी संभालने की आदत है, आप बिल्ली भी पाल सकते हो, आप तोता भी पाल सकते हो, अब दोनों को एक साथ फ्रीडम नहीं दे सकते, एक को पिंजरे में डालो या रूम में बंद करो, दूसरे को निकालो बाहर। तो ये समझना पड़ेगा कि सबको फ्रीडम नहीं होता, एक साथ सबको फ्रीडम नहीं होता। हमारे देश में जो कानून है, जिस ढंग से जुडिशियरी चलती है, तो जुडिशियरी जिस ढंग से चलती है वो किसको किसके लिए मानवाधिकार का इस्तेमाल कर रही है? देखो याकूब मेमन के लिए रात को 12 बजे 2 बजे उठकर जुडिशियरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं याकूब मेमन के लिए, जिसने 200-300 लोगों को बम फोड़ के मारा था मुंबई में। और महाराष्ट्र की असेंबली, मैंने बोला हूँ कि बीजेपी हिंदू तो बाजू में रखो, महाराष्ट्र के असेंबली में जो कुछ MLA यहाँ से वहाँ गए उसका मामला चल रहा है, 26 नवंबर एक महीने में विधानसभा ही खत्म हो जाएगी, केस डिबार होती है। ये कानून का
और जुडिशियल का मजाक मैंने नहीं उड़ाया, कुछ जजेस उड़ा रहे और हम देखते बैठे, हम देखते बैठे। इसको मैं टॉलरेंस बोलता हूँ। केजरीवाल को, सिसोदिया को जमानत देनी है या नहीं देनी है, वो सेशंस कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नीचे जाओ, फिर ये चल रहा है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्यों किया जा कर रहे लोग? क्योंकि हम टॉलरेंट है, हम टॉलरेंट है। लेकिन एक शाहबानो का केस जो रिजल्ट आया तो सिर्फ एक को, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बिहार का तो बाबरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन था, उसने लेटर लिखा और वो पलटने वाला कानून राहुल राजीव गांधी ने बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि ये झुंड करके आएंगे। देखो चीटी कितनी छोटी होती है, मैंने जियो नेट जियो या डिस्कवरी में उसकी एक सीरियल देखी, उसका नाम था आर्मी। चीटी है, चीटी की आर्मी होती है, अगर उसमें हाथ डालोगे वो काटने दौड़ते, उसमें कुछ लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, उनमें जो चीटियाँ होती है कुछ मर जाएगी, लेकिन वो ग्रुप के लिए जिंदा रहती। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको आप चीटी बन जाओ, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर सामने से कोई झुंड बनकर आता है तो हमको झुंड बनना पड़ेगा। हर एक को न्यूक्लियर बॉम्ब किस लिए चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई होती है तो हमारे पास वो होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए हम उनके जैसे, देखो इजिप्ट की कल्चर ख़त्म हो गई, ग्रीक कल्चर ख़त्म हो गई, चाइना की जो कल्चर होती ख़त्म हो गई। क्यों हो गई? टॉलरेंस। मैंने एक किताब पढ़ी थी बढ़िया मराठी में, वो शायद हिंदी में वगैरह नहीं होगी, झुंडी से मानस शास्त्र, मॉब मेंटेलिटी, बढ़िया किताब लिखी है उन्होंने। ओरिजिनली तीन चार अंग्रेजी किताबों से मिलाकर उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही है कि हम नीरो 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 कितने बार एग्जाम्पल दिया जाता है, मोदी को नीरो बोला गया, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि नीरो परवर्ट था, नीरो परवर्ट था। तो इसीलिए तो रोम जल रहा था, ये फेडल बजा रहा था, क्योंकि वो परवर्ट था। लेकिन एक बात थी कि ये कितना कलाशक्त राजा है, कितना कल्चर्ड है, ये चमचागिरी करने वाले ग्रीक विचारक थे, क्योंकि ये उनको फंड्स देता था और वो बदले में इसकी चमचागिरी करते थे। तो नीरो हटाओ, राहुल गांधी नाम लगाओ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। दोस्तों एक बात बोल दूं आपको, अगस्त 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया में जयराम रमेश का एक इंटरव्यू आया था। पार्लियामेंट चुनाव को, लोकसभा चुनाव को 8 महीने थे और जयराम रमेश मिनिस्टर थे यूपीए में, उन्होंने उस इंटरव्यू में मैं कहा था कि आज़ादी के बाद मोदी ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, ये विचारक है कांग्रेस के। आज वही राहुल गांधी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं उनको पता है? नहीं, क्योंकि उनको फिर राज्यसभा जाना है तो चमचागिरी करनी पड़ेगी। तो जब विचारक ऐसे हो जाते, कोई भी समाज करप्ट होता है तो सबसे पहले दिमाग में करप्शन आता है। हम इतनी लैंड ग्रैब की, इतना करोड़ इधर के उधर किया, उसको करप्शन बोलते हैं। वो करप्शन में वो परिणाम है, करप्शन यहाँ होता है, करप्शन यहाँ होता है। जो बात गलत है मुझे मालूम है, फिर भी वो मैं जब करता हूँ तो वो करप्शन होता है। हम उसकी चर्चा परिणामों पर करते। ये कल तक पब्लिक लाइफ में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, अब हमारे जिंदगी में आ चुका है। मुझे ये लाडली बहना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं, कि उसके उससे वोट मिलेंगे मैं मानता नहीं हूँ। जब तक आप की जिंदगी धोखे में है, इसका रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक आप सामने नहीं आओगे ना लड़ोगे। बात ऐसी है कि लड़ोगे कब? देखो कोई भी इंसान कब लड़ता है? कल हमारे ओमकार चौधरी मुझे बोल रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाया था परसों कि कौन प्रियंका वो वायनाड में गई थी पर्चा दाखिल करने,
तो उधर रूल था कि 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते, तो राहुल गांधी थे, प्रियंका थी, प्रियंका का बेटा था और सोनिया गांधी थी, तो पार्टी के अध्यक्ष को बाहर निकाला, पार्टी के अध्यक्ष का इंसल्ट किया। कई चर्चा हुई किसने एडिटोरियल लिखा, नहीं क्यों, उसको इकोसिस्टम बोलते। ये जो जब तक वो इकोसिस्टम ख़त्म नहीं होती, हम जब देख रहे कि 10 साल हो गए मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुझे भी लोग पूछते, मैंने बोला जब तक वो इकोसिस्टम तोड़ी नहीं जाती, उस इकोसिस्टम को टक्कर देने वाली हमारी इकोसिस्टम डेवलप नहीं होती, तब तक ये बदला नहीं जाएगा, तब तक बदला नहीं जाएगा। और पहले एक टक्कर से शुरू करें, आपके हाथ में क्या है। मैंने अभी भी सुबह गिलरी का एक उदाहरण एग्जांपल दिया था कि मैं मेरी जगह क्या कर सकता, हमारी आदत क्या होती है, मैं तो हिंदू बहुत सोचता है, मुस्लिम सोचता नहीं है, इस्लाम खतरे में बोलो दौड़ के बाहर निकल, उसको मम्मत पर गाली दो देखो घुस कर आएगा घर में, इस्लाम को गाली दो माँ पर से गाली देने से कोई मुस्लिम भड़कता नहीं है, तो ये समझ लो उनकी आइडेंटिटी इस्लाम है, तो लड़ाई वहां है। लड़ाई कहाँ है, जिहाद कहाँ है, लड़ने की हिम्मत का खच्चीकरण, उसका खात्मा, अगर वो खात्मा करना है तो अपनी अपनी जगह लड़ना पड़ेगा, ना कि सरकार लड़ेगी। आपको आपको उनके मन में वो ही दोहावना पहना कर दे, अरे क्या यार तुम्हारी औरतें बुरखा पहनती, शर्म नहीं आती, ये क्या बात है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो, कहाँ, चैलेंज करो उनको, कुरान में दिखाओ कहाँ दाढ़ी बढ़ानी है, टोपी क्यों पहनते हो, टोपी की जरूरत नहीं, कहाँ कुरान में दिखाओ, तो गड़बड़ा जाएगा। चैलेंज करो उसको कि नमाज नाम का शब्द कुरान में दिखाओ, चैलेंज करो, दिखाओ कुरान में हदीस में है ही नहीं नमाज, ये उर्दू शब्द है, तो बाकी कुरान अरबिक में है, तो कुरान हिंदी में कैसा, इस्लाम में कैसे आ गया। अगर आप अगर बात करोगे तो नहीं नहीं वो तो छोड़ो, ओरिजिनल अरबी कुरान से बोलो, ऐसे बोलेंगे तो बोले भाई नमाज कहाँ आ गया। तो उनका जो अभिमान है, देखो मुस्लिम लड़ता है आपसे तो अभिमान पर लड़ता है, एक छोटा घर में बच्चा है उसको भी आप थोड़ा इधर उधर बोल दो तो गुस्से में आ जाता है, उसका अभिमान होता है। हम पूरा समाज हम अभिमान स्वाभिमान भूल बैठे, वो हमारी समस्या है उनकी नहीं है। तो वो आपको अगर बोलते ना, हाँ मैं बोलता हूँ हमेशा कि कुछ हो गया हमारी एक्ट्रेसेस खड़ी हो जाएगी, आई एम अशेम्ड। अरे क्यों भैया, क्यों अशेम्ड हो तू, भली बुरी देखो, वेश्या का बेटा भी हो तो उसके लिए उसकी माँ पवित्र होती है, तो हम क्यों शर्माए, हमारे इतिहास में कुछ गलतियां हैं मान लेते। तो हम संस्कृति, ये भूमि हमारी माँ है, तो हमको भी जिहाद करना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद का आंसर जो है वो जिहाद ही होता है। और डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुस्लिम आपसे लॉजिकली फाइट नहीं कर सकता, लिख लो मुझसे, क्योंकि जो हम बोलते ना वहाबिज़्म, तो मोहम्मद इब्न वहाब जो था उसका एक बढ़िया आर्ग्यूमेंट है, वो मैं मानता हूँ, मैं भी जिहादी हूँ। वो कहता है कि लॉजिक ये ग्रीक कंसेप्ट है, इस्लामिक नहीं है, समझ लो इस्लाम सही है या गलत है ये लॉजिक से नहीं तय होगा, इस्लाम सही है, वो सही क्यों है इस पर चर्चा कर सकते, उस पर गलतियाँ है कि नहीं इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अब ये बिल्कुल आसान करना है तो मैं बोलूँगा हमारे शंकराचार्य अमिताभ बच्चन है, एक फिल्म में कही अमिताभ बच्चन, कहीं झगड़ा होता है फिल्म की लाइन में, टिकट के लाइन में, तो बोलता है यार हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो हमको वो मानना पड़ेगा, हम हिंदू हैं इसलिए हम सही है। अब वो सही कैसे, उस पर चर्चा होगी, गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे पहली बात, नहीं तो हम शुरू ही करते नहीं नहीं हम तो उतना ये नहीं करते, हम तो ये नहीं, हम पहले ही किसी ने हराने की ज़रूरत ही नहीं, हारे हुए, ये सोचना बंद करो। मुझे पूछते अरे तेरी पत्नी तो मंगलसूत्र नहीं पहनती, टीका नहीं लगाती, गंध नहीं लगाती, मैंने बोला तो क्या हुआ, तो फिर तू हिंदुत्ववादी कैसे,
मैंने बोला मुझे मुस्लिम ईसाई नहीं होना है, इसलिए मैं हिंदू और इसलिए मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूँ। एक मुस्लिम से सोशलिस्ट मुस्लिम है मुंबई के, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था, तो मैंने बोला बात छोड़ यार, तुम्हारा शाही इमाम है दिल्ली का, उसका इंटरव्यू है मेरे पास, Rediff.com पर दिया हुआ इंटरव्यू है, उसमें शाही इमाम बोलता है ये देश किसी पार्टी या किसी नेता के कारण सेक्युलर नहीं है, ये देश हिंदू बहुल है इसीलिए सेक्युलर है। तो मैं मानता हूँ कि इसको सेक्युलर रखना चाहिए, और सेक्युलर रखना चाहिए तो हिंदू बहुल होना चाहिए, वही तो डेमोग्राफी है। तो चर्चा करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त हमको सेक्युलर रखना है, और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू बहुल होना चाहिए, और इसके लिए बारी छोटी छोटी बात होती है। देखो मैं आपको एक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के दोनों तरफ के जो वकील थे, उज्ज्वल निकम और नितिन प्रधान जो आरोपी के वकील, उसको कोर्ट ने अपॉइंट किया था, तो दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों मेरे दोस्त थे। तो नितिन प्रधान ने जो एक बात कही वो संबंधित ऐसी बात है, उनके पास मुंबई की कुछ मुस्लिम संस्थाएं संगठनें गई, बोले आप सरकार से पैसा मत लो, हम आरोपी का पैसा हम दे देंगे, आपको फीस हम देंगे। तो प्रधान जी ने पूछा कि कैसे दे दोगे आप, बोले जुम्मे की नमाज होती है, हर एक को आना पड़ता है, चद्दर फैलाएंगे और जकात इकट्ठा करेंगे। तो वो जकात कहाँ से देने वाला है, वो तो मैंने गैरेज चलाता है, मैं उसके गैरेज में गाड़ी लेके जाता हूँ, तो उसको फाइनेंस मैं करता हूँ, वो जियाद को फाइनेंस करता है। तो मेरे पास आया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है ये सोचो, जो अपने बाबा ने जो सनातन की नाम लगाने चाहिए होटल पर वगैरह जो बोला, वो बात समझ लो उसमें कितना डीप थिंकिंग है कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। वो सऊदी से आ रहा है, दुबई से, छोड़ दो, हम फाइनेंस कर रहे हैं। मुंबई में इतना बड़ा गणपति होता है, दिवाली होती है, पटाखों का बिजनेस कौन चलाता है, देखो दिवाली तुम्हारी है, हम फाइनेंस कर रहे हैं जियाद। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपनी जगह करेंगे तो उनके हाथ अकड़ जाएंगे, उनका फाइनेंस रुक जाएगा, तो आगे की मस्ती अपने आप चली जाएगी। और छोटी ये भी छोड़ दो, अरे घर में बात करो ना यार, मुझे मेरे गांव में बहुत सारे मराठी मुस्लिम हैं सातारा में, तो एक बार मैं बैठा था फारूक की टपरी है, चाय पीता था, तो उसके चाचा भतीजे कोई थे चार पांच लोग, तो मैंने बोला फारूक ये क्या लिखा है रे, वो 786 लिखा होता है ना, तो वो लिखा था, मैंने बोला ये क्या है, वो बोले हमारे धर्म का है, बोले लेकिन है क्या, वो तो लिखा है तो अंग्रेजी में 786 उर्दू में कहाँ है, वो तो अंग्रेजी में लिखा है। अब उसको उसके चाचा को किसी को पता नहीं, तो मैंने बोल दिया गधे ये पहली आयत है कुरान की, वो हैरान हो गए, बोले हमको पता नहीं है। मैंने बोला हमारे कोई लिखता है ओम तो मैं बोल सकता हूँ, जीरो से शून्य से निकल कर आई दुनिया वगैरह, इसलिए हम ओंकार लिखते, तुमको क्या पता है। अब उसके बाद वो देखते रहे मेरी तरफ, उसके बाद एक बात ये कि फारूक का बाप था, उसने कहीं गड़बड़ी की थी, तो एक मैंने बोलते बोलते एक मराठी था उसके पैसे उसने दबा के रखे थे, तो हर बार पैसे वसूल करने जाता, बोले नहीं यार त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, तो मेरे पास रो रहा था कि मेरे घास लिया है और सारा पैसे नहीं दे रहा है। मैंने बोला मैं रहूँगा तब उसको बोलना, तो नहीं अभी ईद है। मैंने बोला यार छोड़, ये अल्लाह को उल्लू बना रहा है, तू कौन चीज़ है। तो वो सैयद एकदम बिगड़ गया, बोला आप ऐसे क्यों बोल सकते। मैंने बोला आपने अभी इसको क्या जवाब दिया, आपने क्या जवाब दिया, ईद आई है, हाँ बिल्कुल बोल ईद आई है, इसीलिए मैंने कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, उसमें लिखा है जिसके सर पर एक पैसे का भी कर्जा हो वो त्यौहार नहीं करेगा। तो तू इसको त्यौहार आया बोल रहा है, इसका मतलब तू इसको नहीं अल्लाह को उल्लू बना रहा है। परिणाम क्या होता है देखो, दूसरे दिन दिलीप नाम का जो गांव का आदमी था वो सुबह सुबह मेरे रूम पर आ गया, मेरे पैर छुए, मैंने बोला दिलीप क्या हो गया, नहीं कल रात को पैसा आ गया। बोला परिणाम कैसा होता है देखो, उसको
उसको मैं चार गाली देता तो बिगड़ता नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में भूल गया। अब ये बात थी। उसके बाद जब जब ट्रांस मिलता है गांव में तो मैं उनके मौलाना से लेकर सबको कुछ भी बोल देता हूँ, क्योंकि कुरान मुझे ज़्यादा समझता है, क्योंकि तो गधों को भी क्या मालूम है, उनको भी क्या मालूम है। एक बार मराठी चैनल पर चर्चा हो रही थी, मैं उसी गांव में था, वो वॉइस ओवर कर रहा था, तो इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद का MLA था वो था पैनल पर। तो वो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए, वगैरह वगैरह सेक्युलर चर्चा ABP माजा करके मराठी चैनल पर। तो मैंने बोला इम्तियाज भाई ये मक्का वाला कुरान छोड़ दो, ज़रा इसी रेफरेंस से मदीने वाली आयत बता दो। बोला क्या बात कर रहे हैं भाऊ, कुरान तो एक ही है। मैंने बोला बराबर है, लेकिन मक्का की आयतें अलग है, मदीना की आयतें अलग है। तो बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला मैं आयत बोल दूँ सुरा बोल दूँ, नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, वो गड़बड़ा गए एकदम। मैंने बोला एक बात समझ लो, 1960 का जो GR होता है उसी रेफरेंस में उसी डिपार्टमेंट का अगर 1980 का GR निकलता है तो पहला बाद हो जाता है। तो मक्का की आयत तुम बोल रहे हो वो पुरानी हो चुकी है, वो मदीना में बदली गई है। तो मदीना में दूसरा धर्म नहीं चलेगा, ये क्लियर है, मतलब पहली आयत चली गई। तो वो बहुत गड़बड़ा गया। बाद में वो एंकर ने मुझे रात को फ़ोन किया, आप क्या बोल रहे थे वो गड़बड़ा गया। मैंने बोला गधे अगर तुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं तो उस पर चर्चा मत करो, और एक बात समझ लो कि आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहो और नीचा दिखाते रहो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। तो कंक्लूजन करने का मेरे पास समय का जो है अभाव है। आप जो सर बोल रहे थे कि हम लोग खुद को अपना इतना विक्टिमाइज कर चुके हैं ना कि नहीं नहीं है बेचारा है, थोड़ा सा दीन है, थोड़ी सी जगह दे देंगे तो क्या ही चला जाएगा। अरे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई, क्या बात कर रहे हो। वो जो थोड़ी सी जगह तुमने दे दी ना वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तुम्हारा 1500 साल पहले का मंदिर वो वक्फ वाले क्लेम कर रहे हैं, आइडिया है तुमको। तो जो सर बोल रहे थे ना कि पहले अब गीता पढ़े रामायण पढ़े, वो ठीक है आप पढ़िए वो ज़रूरी है, लेकिन बड़ी किताब पढ़िए वो और ज़्यादा ज़रूरी है। नो योर एनिमी, क्या है कि शत्रु बोध अब बहुत आवश्यक हो गया। तो मुझ जैसा यंग आदमी थोड़ा सा इसी वजह से अग्रेसिव मैं रहता हूँ थोड़ा सा, कि नहीं वो शत्रु बोध आवश्यक है। ये जो बीच में 2015 में एक अवार्ड वापसी गैंग चले थे, तो अब कंक्लूजन पे हैं, तो अवार्ड वापसी गैंग क्यों चला था किसी ने सोचा? क्योंकि मोदी आ गया। अगर मोदी नहीं आया होता तो 1984 में दंगा हो गया था, नयनतारा सहगल को अवार्ड मिला था 1985 में, उसने नहीं लौटाया, और वही नयनतारा सहगल 2015 में अवार्ड लौटा रही है। आप समझिए कितना बड़ा आपके साथ मजाक हो रहा है। तो 1984 में हमारे सिख भाई बहनों को काटा गया दिल्ली में, और वो अवार्ड ले रही है 1985 में। उस वक्त भारत इंटॉलरेंट नहीं था, लेकिन 2015 में चूंकि मोदी आ गया तो इंटॉलरेंट है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा रूल नहीं है। रूल बदल रहा है, नियम कानून बदल रहे हैं। आज हिंदू बात करने लगा है, आज हिंदू बोल रहा है कि भाई सेकुलरिज्म ये जो तुमने चैप्टर में जोड़ दिया था संविधान में, हमसे पूछा के पूछ के जोड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान बांटा, पश्चिमी पाकिस्तान बांटा, और उसके बाद इस देश में वक्फ भी तुमने डाल दिया, तो भाई हमारे पास तुमने दिया क्या तंबूरा? और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोलता हूं तो लोग कहते हैं यार अभिषेक कमनल, लेकिन कमनल नहीं, मेरा सवाल तो वैलिड है। पूर्वी पाकिस्तान भी दिया, पश्चिमी पाकिस्तान भी दिया, तुमने मुझसे पूछा, मेरे बाप से पूछा, मेरे दादा से पूछा कि ये लैंड का क्या करना है, तो नहीं ये लैंड भी वक्फ को जाएगा। तो इस हिसाब से तो भाई अकबर ने जहां जहां राज किया था सब सारी प्रॉपर्टी वक्फ की है। आप देखिए इस देश के सेकुलर नेता क्या कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं, वो कल्याण बनर्जी क्लास तोड़ रहा है JPC की मीटिंग में। क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पे मोदी बदलाव कर रहा है। तो ये समझने की जरूरत है जी। कंक्लूड कीजिए सर। नहीं तो एक बात आप समझ लेना कि हमको अपनी जगह कर, देखो मैं गांधी जी को भी मानता हूँ। एक गांधी जी का किस्सा मैंने पढ़ा था स्टोरी, एक जवान लड़का उनसे मिलने आया था, तो बोला मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो गांधी जी ने उसको टाइम दिया था, 1 घंटे पहले आया था। तो गांधी जी अंदर रूम से देख रहे थे क्या कर रहा है।
बाद में जब उसका टाइम आ गया तो गांधी जी के पास आ गया, बोले मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बोले गांधी आप करे कर तो, लेकिन एक मुझे बोल कि तू पानी कितना पीता है दिन में। तो बोला क्यों? नहीं नहीं यहाँ तू एक घंटे से मैं देख रहा हूँ जो पानी पी रहा हूँ उतना पानी हर दिन पीता है। तो बोले ज़रूरी होता है उतना पीता। बोले गांधी जी बोले मैंने गिना है तूने 5 बार मटके से पानी लिया। तो बोला हाँ जरूर, नहीं जरूरी इतना नहीं लिया, उन्हें पूरा ग्लास भर के लिया, जितना चाहिए पिया, बाकी का फेंक दिया। अगर उतना पानी बचाना शुरू कर देना तो देश के लिए तू बहुत बड़ा काम करेगा। तो शुरुआत हमसे होती है, हमसे शुरुआत होती है। छोटी सी बात है यार, छोटी बिल्कुल छोटी बात बता रहा हूँ। कोई भी धर्म की बात निकलती है और आपके सामने मुस्लिम या ईसाई है तो उसको बोलो भैया 5 बार क्यों चिल्लाते हो रोज कि अल्लाह अकबर है, महान है, मान लेता चलो, लेकिन तुझे गारंटी नहीं इसलिए 5 बार बता दो। मैं बोलता हूँ जय गणेश नहीं बोलता हूँ, उसको भी मालूम है वो ग्रेट है, मुझे भी मालूम है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। तू चिल्लाता है क्योंकि तुझे मालूम है कि वो ग्रेट नहीं है, और मैं तो उल्लू नहीं हो ये तुझे दिखाना है, इसलिए दुनिया के सामने तू चिल्लाता रहता है अल्लाह अकबर, क्योंकि तुझे भी गारंटी है कि वो ग्रेट नहीं है, और ग्रेट नहीं है फिर भी मैं उसको भसता हूँ, तो ये छुपाने के लिए तू बोलता है। तो उसके पास उसका जवाब नहीं होता, जवाब नहीं होता, वो सर्वज्ञानी है तो वो क्यों बार बार चिल्लाने को बोल रहा है तुझे, उसका मतलब उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है। मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, वो बड़ा पंडाल लगाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोग बोलेंगे मोदी मोदी मोदी, राहुल बोलेंगे राहुल राहुल राहुल, तो इनके लिए इन्होंने इकट्ठा किया है ना। मोदी जी नहीं बोलते कि मुझे ग्रेट बोलो, तो अल्लाह भी वैसा ही है, कोई अलग नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट जो जो दिमाग चले आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो काटो, तो हमको बांटने की और काटने की बात ही भूल जाएंगे। डरते हैं, देखो कुत्ता डरा हुआ है, कुत्ता भौंकता है तो वो डरा हुआ है, आप आगे जाओ वो पीछे जाता है, इससे बड़ी लड़ाई की टेक्निक नहीं होती, कुछ बड़ी टेक्निक नहीं होती। और एक एक छोटी सी कहानी बोलकर, एक कोई कोई पंडित था बंगाल में, वो पुरानी बात है 100 साल पुरानी, तो उन्होंने तपस्या की थी और काली माता से वरदान लिया कि बोला मैं शास्त्रार्थ करने में सब पंडितों को हराऊंगा, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो काली माता बोले तथास्तु, लेकिन काली माता उसको एक मंत्र देती है, तंत्र देती है, बोले शुरू करोगे ना तो पहले 3 बार अपनी जांग पर मारो, हो ओम बोलना और शुरू करना। तो वो नॉर्थ बंगाल में सबको हराता है और फिर मेरा ख्याल है रामकृष्ण परमहंस के पास आता है कुछ, तो शुरू करते हैं, तो वो करता है हो ओम, तो वो करते हुए 3 बार, तो ये 4 बार मारते हो ओम, तो फिर वो 5 बार करता है, ये 6 बार करते हैं, ऐसे 3-4 बार होने के बाद उसके मन में शक पैदा होता है इन्होंने काली माता से मेरे से भी ज़्यादा बड़ा वरदान लिया है, तो हार मान लेता है। बस यही करो दोस्तों, सामने वाला ताकतवर नहीं है, भोगता है, काटेगा नहीं, लेकिन हम अगर खड़े हो जाएंगे तो काटेंगे, उसका डर उसके मन में पैदा करो, हथियार बम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि इकोनॉमिकली पैरालाइज करने के लिए गाड़ियों को डिरेलमेंट किया जा रहा है, हवाई जहाजों पर बहुत बम की शिकायतें की जा रही है, ये देश को इकोनॉमिकली क्रिपल करके और फिर ये डायरेक्ट फ्लाइट के चांस दे। मैं सोचता हूँ कि जिहाद शुरू हो गया है और उसके बारे में देश कितना तैयार है। आप गांधी की बात कहते हो, गांधी ने मोरल डाउन किया, उसने एक अपनी किताब में लिखा कि हिंदूज आर कावर्ड एंड मुस्लिम आर उल्ली। हमारे नेता ऐसे थे, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हिंदू भाई अच्छे, वो हमने पढ़ा सब है, मैंने गांधी का एक किस्सा बता दिया। आज की जो स्थिति है, क्या कह रही हैं आप, वॉल्यूम बाहर जा रहा है, आज की जो मैं वैसे ही वो ठीक है चलो, मैं आपके आज देखो ये स्थिति है उसमें बताइए क्या
सिविल वार शुरू हो गई है। देव हो गई है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेकिन 70 साल की बीमारी 7 दिन में 7 हफ्ते में ठीक नहीं होगी, लेकिन शुरुआत हमारी भी हुई है और ये हमारी ओरिजिनल बीमारी है क्योंकि हाँ। हम टॉलरेंट है। मैंने पहले क्या शुरुआत की थी, टॉलरेंस हमारा पहला दुश्मन है और उसका परिणाम बाकी का सब कन्वर्जन वगैरह वगैरह। अच्छा ऐसा देखिए, द स्लोगन इज बटेंगे तो कटेंगे, द नेक्स्ट स्लोगन इज एग्जैक्टली घटेंगे तो भी कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, सितंबर 29, 2023 138 करोड़ आधार कार्ड हैज बीन इश्यूड और आज की डेट में जो हम पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करते हैं 1,40,00,000-42,00,000 इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन और 1,38,00,000 आधार कार्ड इश्यू हो चुके हैं। आप इस चीज को समझो, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है आपका, नो वन इज मीन्स डूइंग ए प्रैक्टिकल थिंग एंड टू स्टॉप द दिस डेमोग्राफिक एंड वोटर इलीगल वोटर इंक्लूजन, नो गवर्नमेंट इज डूइंग एनीथिंग। वी क्राई द ममता इज इन्फिल्ट्रेटिंग द बांग्लादेशी, व्हेन वी आस्क अवर फ्रेंड फ्रॉम द कलकत्ता और वेस्ट बंगाल, दे सेड हु इज रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट यू स्टॉप इशूइंग द आधार कार्ड because almost all Indians has received the Aadhaar card. Wait a minute, sir. Stop issuing the Aadhaar card. You issue the Aadhaar card, new Aadhaar card linked to their parents or from their business locations or their PAN cards. And these Aadhaar cards should not be delivered before centralizing what you call inspection and should be delivered after 3 months through proper checking. And this one, I tell you one more thing. The voter ID is issued on the base of Aadhaar card. एक लाइन में उत्तर दूं सर इसका, कौन बनाते हैं आधार कार्ड? नहीं सर, ये बेकार की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90% हिंदू लोग बैठे हुए हैं सरकारी दफ्तरों में। इशू ये है कि क्या हम हिंदुओं को इतना सिविक सेंस है कि जो हम 500 रुपए लेकर के गलत काम कर रहे हैं उसका परिणाम मेरी बेटी तक पहुंचेगा? देखिए मैं आप सबके जो सवाल है मन में उसका एक सिंपल आंसर देता हूँ कि मोदी जी पहली स्टेप थे, दूसरी स्टेप योगी है जिन्होंने कानून पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत की है। ज्यादा बोलना, हम लोग क्या हो प्रॉब्लम है मालूम है, हम हिंदू है ना तो हम थप्पड़ एक मारेंगे लेकिन 4 थप्पड़ों का आवाज निकालेंगे। पूरा हिंदू पूरा मुस्लिम कंसोलिडेट हो रहा था और ओपिनियन पोल में भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो जयपुर डायलॉग नहीं बनाते, हम जयपुर डायलॉग करते, हम चिल्लाते बहुत है, काटते बहुत कम है। तो बोलना बंद करो अपने अपने इलाके में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, दूसरा क्या। मैं आपको एक छोटा किस्सा बोलकर ये सेशन समाप्त करूँगा। बहुत 40 साल पुरानी बात है, मैं मुंबई के फिल्म सिटी में एक छुट्टी उस पर एक रिपोर्ट बनाना था तो मैं गया था। रमेश सिप्पी बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो उनका कुछ चल रहा था, मैं देख रहा था, 1 घंटे से ज़्यादा वो शूटिंग देख रहा था। तो उनके पास मेगाफोन था, वो रोलिंग वगैरह बोलते थे, फिर कट बोलते थे, वो चलता था, फिर वो उठकर उस जो कोई टेक्नीशियन था उसको जाकर समझाते थे और आकर बैठते थे, ना मेगाफोन पर बोलते थे ना उधर जाकर बोलते थे। ऐसा 1 घंटा मैं देख रहा था, बोले इतना बड़ा डायरेक्टर है एक टेक्नीशियन के पास क्यों जा रहा है। तो बाद में जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने 15 मिनट दिए तो मैंने वही सवाल बोला कि आप इतने बड़े वो टेक्नीशियन के पास क्यों जाते हो? बोले यही तो हमारा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? क्या होता है कि मैं सही हूँ, गलत है तो बाकी सारे गलत है, तो दूसरा क्या गलती करेगा इस पर हमारा बहुत ध्यान रहता है। तो अगर मैं मेगाफोन पर बोल दूँ या चिल्लाकर उसे बोल दूँ कि अरे यार वो गलती मत कर, तो बाकी जो सब सही कर रहे ना वो जब शूटिंग शुरू हो जाता है तो वो गलती कर रहे कि नहीं देखते, ये गलती कर जाते। मुस्लिम वो गलती नहीं करता। मुस्लिम मुझे, मैं पहली बार अमेरिका गया था,
फिर हमारे प्रोफेसर थे वो मुझे मिलने आए कि तेरे को अमेरिका कैसी लगी, ये पूछना था। वो भी गए थे, मेरी वाइफ भी उनकी स्टूडेंट थी, तो वो बोलने लगे और तू मत बोल, मुझे भाव से सुनना है। मैंने बोला अमेरिका में मुझे एक ही फ़र्क दिखाई दिया कि ये सब पागल होते हैं, अनाड़ी होते, एक ही सयाना होता है, उसको प्रेसिडेंट बना देते। तो बोले फिर हमारे यहाँ क्या अलग है, हमारे यहाँ एक ही पागल होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते। तो ये आपके सबके मन में जो सवाल है उसका जवाब है, हमने सबसे पागल प्राइम मिनिस्टर बनाया है। एक बात और बोल दूँ, एक बात समझिए, मेरे साथ एक समाजवादी सोशलिस्ट लिबरल फ्रेंड बात कर रहा था, बोले इससे तो वाजपेयी अच्छे थे। मैंने बोला थोड़ी देर ठहरना, और 10 साल के बाद इससे तो मोदी अच्छा था बोलोगे। तो ये समय स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, क्योंकि 70 साल देर हो चुकी है, तो शुरुआत हुई है। तो हमारे एक दोस्त क्रिकेट पर लिखता था, उसने बढ़िया बात, वीवी करमरकर नाम के थे, तो हमेशा लास्ट ओवर में 5-6 ओवर में फर्क पड़ता था। तो उसने लिखा था ये हमारी टीम में वो पहले 10 ओवर में लास्ट की 5 ओवर क्यों नहीं खेलते। आपके दिमाग में वो सवाल है, मैं बनता हूँ मानता हूँ यही रुकना अच्छा हुआ। गवर्नमेंट तक तो आवाज पहुंच रही है, वक्फ बोर्ड की आवाज हमने 2019 में उठाई, आज अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं वो तो वो 70% जब रिटायर होंगे तभी नए भरेंगे ना, इतना जल्दी वो चेंज नहीं होता। उन्होंने 40 साल मेहनत किया, 5 साल में इतना ये हो गया ऐसा नहीं हो सकता। 40 साल की मेहनत और एकेडमिक्स पे उनका कब्जा रहा है। अब देखिए हम जयपुर डायलॉग सेशन कर रहे हैं, कभी यहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता था, क्या बात कर रही है। बदलाव आता है ऐसे ही आएगा। आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड क्योंकि ये सारा चलेगा। आज तक ये ऐसे सेमिनार वगैरह जो है ये दूसरों की मोनोपाली होती थी। कल ही मैंने संजय जी से बात की है कि मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में करिए। बिल्कुल, तो शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो हो गई। अब देखिए वो हो रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। हम लोग कभी बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, रिजल्ट इतनी जल्दी। 50 ओवर के क्रिकेट मैच में आप 15 ओवर का पावर प्ले बैटिंग करके कैसे मैच जीतेंगे? आपको वो फिर वो मिड बीच का भी ओवर में कंसोलिडेट करना होगा ना, तो वो अभी टाइम चल रहा है। और आपके आपको एक आपके लिए बता दूं, देखिए मैं सबसे बड़ा कन्वर्ट हूँ। मैं दलित पैंथर के पहले संस्थापक मीटिंग में था, मैं सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट मूवमेंट से आया हूँ, आज मैं हिंदू बन गया हूँ ना, तो मेरा सबसे बड़ा विश्वास है कि चेंज होगा। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, ऐसे नारे लगते थे पहले।